प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा से निपटने में बुनियादी ढांचे का खास महत्व है, इसको लेकर सभी देशों को समग्र नजरिया अपनाने की जरूरत है। दुनिया भर में आपदा से निपटने में भारत अगुवाई कर रहा है। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इसका जीवंत उदाहरण है। कुछ ही वर्षों में 40 से ज्यादा देश और संगठन भारत की इस पहल पर बने गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। CDRI की ओर से आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया अब आपस में जुड़ चुकी है और अगर किसी एक देश में आपदा आती है तो उससे दूसरे देशों पर भी व्यापक असर पड़ता है। PM ने आपदा जोखिम प्रतिरोध के संदर्भ में सभी देशों से एक साथ काम करने की अपील की। This conference is becoming an important platform. Advanced economies and developing economies, large and small countries, the global north and the global south are coming together at this forum. सम्मेलन में वीडियो संदेश के जरिए बोलते हुए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि CDRI की पहल से दुनिया भर में आपदा से निपटने में भारत अगुवाई कर रहा है। इस संदर्भ में बांग्लादेश भी गंभीर है। आई कांग्रेचुलेट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी फॉर होस्टिंग दिस टाइमली इवेंट। आई वुड लाइक टू रिटरेट बांग्लादेश'स कमिटमेंट टू वर्किंग विद द ग्लोबल कम्युनिटी हैंड इन हैंड to ensure a better world for all of us. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने भी आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। पीके मिश्रा ने कहा कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वहनीयता, मापनीयता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संस्थागत नवाचार पर उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए जितना कि तकनीकी नवाचार पर। मिश्रा ने कहा कि आपदा प्रतिरोध अब एक विशिष्ट विषय नहीं है बल्कि वैश्विक और राष्ट्रीय विकास विमर्श के केंद्र में आ चुका है। गौरतलब है कि CDRI एक ऐसा गठबंधन है जिससे सरकारों के साथ ही UN एजेंसियां, बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ निजी क्षेत्र और शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों की महत्वपूर्ण भागीदारी है। Well, we're extremely excited to be attending this conference. I think that we focus on solutions, which is a nice change, not talking about all the problems that the world has, but how as human beings all together on this planet. We are happy to share our, how can say, experience over the world. And I hope that we can do something with the friend from India and also the another countries. We are happy to be here to share our experience, but also to gather the experience from other partners and see how we can move forward together within the coalition. Importance of this conference is how we come together, work together towards more resilient world, how we address the issue of climate change adaptation, and that's the motivation of us. We are highly enthusiastic about this conference and particularly with the vision of our honorable prime minister Mr. Narendra Modi. ये अलग अलग देशों को उनकी आपदा और जलवायु जोखिम से निपटने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे को विकसित करने में सहायता के लिए तकनीकी विशेषज्ञता मुहैया कराता है। आपदा प्रतिरोधी मजबूत बुनियादी ढांचा को लेकर आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ICDRI सम्मेलन के 5वें संस्करण की भारत मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन में मुख्य तौर पर एक ओर जहां बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान कराने के साथ साथ आपदा की बढ़ती समस्याओं की निजात दिलाने और इसके संदर्भ में त्वरित कार्रवाई करने और जरूरतमंद नागरिक और समाज को सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मोपी यादव, DD News, दिल्ली।